नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 7:45 AM 9th of December और आज की चाय की चर्चा शुरू करते हैं। कल भाई बहुत देर हो गई थी, मैं रात को 11-12 बजे घर आया, वो उसके बाद फिर बिना वीडियो बनाए सो गया। तो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एनसिस जो पैटर्न वगैरह दिख जाते हैं तो और अच्छा लगता है, मुझे भी ठीक लगता है अगर मैं लैपटॉप खोल के कुछ देख लेता बैंक निफ्टी का चार्ट वगैरह, बट नहीं टाइम लगा। चलिए, जो इंट्राडे पे लेवल बनेंगे उसी के हिसाब से प्ले करेंगे। आप नोट करिए, निफ्टी फ्यूचर जो दिख रहा है यहाँ पे वो तो फ्लैट टाइप ओपनिंग ही दिखा रहा है। 126 तो 18,080 क्रॉस करने में सेलिंग प्रेशर फेस करेगा निफ्टी, तो मेरे ख्याल में शायद दिक्कत आए और हो भी ना पाए, ये वेरी मच पॉसिबल है। एंड डाउ ने अगेन एक हाईएस्ट क्लोजिंग दी है अपना 36,432, ठीक है। पर आप देखेंगे सुबह सुबह जो कहानी चल रही है उसमें निक्केई भी नेगेटिव है कुछ आधा परसेंट, एंड हैंगसेंग तो ऑलरेडी 25,000 का जो स्तर है उसका उसको तोड़ चुका है। 24,200 आ सकता है हैंगसेंग आने वाले 2 से 3 दिन में। और निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो बाय नहीं करना है भाई, ठीक है। वो 18,080 वो उसको इतनी आसानी से पार नहीं कर पाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। नीचे की तरफ 18,000 क्या कहते हैं 30-40, ये जो 10 पॉइंट का जोन है 18,000 30-40, इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो एक बार को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं 18,050 18,050 का SL लगा के, 51-52 का SL लगा के, 2-3 पॉइंट ऊपर लगा के आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। नीचे के टारगेट आपके 980-970 रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार ज़रूर SL को ट्रेल करके 18,010-18,000 पे ले आइएगा, और प्रॉफिट जिसको बुक करना हो पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा वहाँ पे। इन केस अगर 1970 टूट के फिर से नीचे चला जाता है तो फिर निफ्टी ऊपर मेरे को नहीं लगता कि फिर इस वीक में दोबारा से ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है। फिर 930, 940, 900, 875 ये लेवल दोबारा देखने को मिलेंगे। और अगर गैप अप होता है भाई, क्योंकि ये इसका कुछ भरोसा नहीं है, बिना सर पैर के तेजी हो जाती है कभी कभी, बहुत देखी है। इन केस गैप अप होता है 18,100 के ऊपर टिका रहता है फिर आपको 18,225-230 भी दिखाएगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। 18,100 को होल्ड कर जाता है ऊपर की तरफ तो आपको फिर से 18,200-225 दिखाएगा निफ्टी। तो ये जो ओपनिंग हो रही है फ्यूचर को देखते हुए और ये क्या कहते हैं SGX निफ्टी को देखते हुए 18,130 दिख रहा है तो वो मेरे ख्याल में 18,080 के आसपास ही हो रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर चल रहे थे। निफ्टी फ्यूचर तो ऑलरेडी 18,126 के करीब था जब कल मार्केट क्लोज हुआ था, तो ये आप चीज़ दिमाग में रखिएगा। बैंक निफ्टी खबरें भी काफ़ी उल्टी सीधी हैं पर वो 39,100-39,200 जो है इसको बचा लेता है बार बार, तो जब तक उसको बचाता रहेगा एक अपसाइड की उम्मीद बनी रहेगी वहाँ पे। तो उसको शॉर्ट तभी करें जब कोई भी उसकी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, हाफ़ एन आवर की कैंडल 39,050 के नीचे बन जाती है। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे की कोई कैंडल 39,050 के नीचे बन जाती है उसको तभी शॉर्ट करें, या फिर वो 39,000 को तोड़ के नीचे उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाए। भाई लेवल 39,000 का टूट गया और नीचे की तरफ वो चलने लग गया, आप वहाँ पे फिर उसको शॉर्ट ट्राई करें। बैंक निफ्टी को अच्छा खासा शॉर्ट ट्राई करें, 300 से 400 पॉइंट आराम से मिलेंगे, 38,500 आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है। 38,500 38,500 टूटा तो 38,200 ये लेवल निकल के आते हैं, बट लेवल्स पे प्ले करिए क्योंकि जो मशीन और एल्गोरिथम सेट होती हैं वो लेवल्स पे ही सेट होती हैं। आपने देखा होगा एकदम से बैंक निफ्टी फंसा रहता है बट कोई एक लेवल टूटता है उसके बाद एकदम से 100-150 पॉइंट का जंप आता है, क्योंकि वहाँ पे एल्गोरिथम सेट है, मशीन सेट है कि ये लेवल अगर आएगा, लेवल टूटेगा तो एकदम से बाइंग आएगी, क्योंकि इंसान नहीं बैठा है आजकल, मशीनें बैठी हैं ट्रेडिंग करने में, तो एकदम से कोई इंसान पागल होकर इतनी बाइंग नहीं कर लेगा, ठीक है। तो लेवल पे उसने सेट किया होता है कि भैया लेवल टूटे तो बाइंग हो जाए, तो आप भी लेवल को फॉलो करिए भाई, आज का तो सिनेरियो यही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में ये याद रखिएगा 39,600 क्रॉस होना ज़रूरी है तेज़ी के लिए, 39,600 क्रॉस होना ज़रूरी है तेज़ी के लिए, इसको दिमाग में रखिए। वहाँ से आपको 200-250 पॉइंट मिलने चाहिए भाई,
और ऊपर की तरफ उसमें फिर बाइंग साइड आप बैठिएगा। नीचे की तरफ अगर आप सेल करते हैं 39,300 ये 100-150 पॉइंट लेके वहाँ पे फिर बुक करना है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर आप नीचे की तरफ सेल करते हैं कि भाई नेगेटिव है थोड़ा सा, तो 39,100-150 इसके अराउंड निकल जाइए, क्योंकि फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ सपोर्ट लेके वो एकदम से ऊपर खींच देगा, आप लॉस में बैठे रहोगे। ठीक है, तो 39,000 फर्दर टूटने दीजिएगा सेलिंग करने के लिए, या फिर 39,050 ये लेवल निकल के आता है, इसके नीचे हाफ एन आवर ट्रेड करें, तो अब आप 39,100 का एसएल लगा के ठोकिए उसको। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी में लेवल याद रखिएगा, नीचे की तरफ 18,030-18,040 टूटता है तो 980-970 आपका टारगेट रहेगा पहला। 970-980 आपका टारगेट अगर ये मिल जाता है और इसके नीचे भी जाता है, तो आप याद रखिएगा जो लेवल पिछले वीक काम कर रहे थे सेम लेवल काम करेंगे। ये है कि भैया 18,080 क्रॉस नहीं होता है तो यही होगा, आप ये लिख लीजिए। अगर 18,080 नहीं क्रॉस कर पाता है फिर सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर नीचे की तरफ ही जाना चाहिए निफ्टी को। और अगर 18,100 क्रॉस कर लिया, सिर्फ 20 पॉइंट का डिफरेंस है मेरे दोनों स्टेटमेंट में, याद रखिएगा, इन केस 18,100 क्रॉस देन बी रेडी फॉर 18,200-230 इसके आसपास, और 18,080 नहीं क्रॉस होता तो नीचे की तरफ तैयार रहिएगा, आपको दोबारा से 18,030-40-17,970। तो प्ले कैसे करना है आप लोग क्लियर कट समझ जाइए। जो 20 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इसके ऊपर सी प्ले करनी है और इसके नीचे आपको पी प्ले करनी है 18,080 नहीं क्रॉस होता है तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।